सिलेंसर पाओ पुत्र जी, सिलेंसर पाओ। तेरी तम। ओए ठहर जा ओए टिटो। बंदा मन्नत पूरी कर रहा है अपनी, दुश्मन थोड़ी है अपना। ओए आंखें नहीं है तेरी? पाजी मेरी तो है, लेकिन लगता है नारियल की नजर कमजोर थी। और नारियल को तो चश्मा भी नहीं लगा सकते। वाह, मखौल अच्छा कर लेता सरदार, गांव में नया आया है। मेरे पापा जी यहाँ जमीन छोड़ गए थे, उसी की डील करने आया हूँ। अच्छा, क्या नाम है जी पापा जी का? जी हाँ। तू यहाँ? तू जानती है इसको? जी पाजी, ट्रेन में साथ साथ ही आए थे हम। अरे अच्छा हुआ तू यहाँ मिल गई। अच्छा तो ये ट्रेन में ढूंढ रही थी। ये कैमरा ट्रेन में भूल गई थी। थैंक यू, पता है इसमें कितने इम्पोर्टेंट पिक्चर्स हैं। कोई घर ही ना हो जाए। हाँ भाई, तो क्या है जी तेरे पापा जी का नाम? जी पाजी आपका बज रहा है। मेरा फोन है। हाँ टोनी बोल। हेलो हेलो पाजी, ओ पाजी वो मिल गया है। क्या क्या सिल गया? ओ सिल ही गया पाजी, वो हर चीज। क्या क्या खावा? ओए खाना नहीं है पाजी, हरजीत रंधावा का बच्चा मिल। ओए खोते, किसका बच्चा मिल गया है? लता से। एक मिनट मामा जी, हाँ आपने कोई बच्चा कहा है ढूंढने को? ओए नहीं पुत्र, मेरे तो बच्चा होते ही नहीं है, बहुत प्रॉब्लम थी ना। हाँ टोनी, फिर शराब पीकर गिर गया साला। ओए चलो कार चलते हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं। ओए तू भी चलो। है नहीं पाजी, थोड़ा काम है, कोई बिल्लू पाजी है उनसे मिलना है। ओए ठेके पे खड़ा होकर शराब का एड्रेस पूछ रहा है। ओए बिल्लू पाजी यही है जिसका तूने सर फोड़ा। माफ करना पाजी, मुझे तो। ओए बुड्ढे के मुंह में टॉफी और मेहमान के मुंह से माफी अच्छी नहीं लगती। तू सुख का दोस्त है, मतलब हमारा मेहमान है, तेरा काम भी हो जाएगा और हम तुझे अपनी मेहमान नवाजी भी दिखा देंगे। चलो चल चलो। मुबारक, ये तो पीछे पीछे घर ही आ गया। वो तेरी मंटोक सिंह एंड आई एम जस्सी। हाय सरदार, जस्सी कहने में शर्म आती है? ओए ओए सरदार, तू तो बड़ा समझदार है। एक तू सरदार, एक मैं सरदार, बाकी सब बेकार। ओए छोटे सरदार, इस बड़े सरदार को कुछ खिलाए पिलाएगा कि नहीं? हाय टिटो, पाजी जिस बंदे के बाप ने हमारे बाप को मारा आज वो हमारे सामने खड़ा है और आप कह रहे हो नहीं? पाजी 25 साल इंतजार किया हमने इस मौके का। 25 मिनट और नहीं कर सकता। ओए तेरे से ज्यादा खून मेरा खोल रहा है। वो तेरा बाप जरूर था, लेकिन मेरा चाचा भी था, लेकिन इस वक्त वो इस घर में मेहमान है और इस घर का असूल है कि मेहमान को भगवान मानते हैं। वो तब तक जिंदा है जब तक इस घर के दहलीज में है, बाहर निकलेगा तो बढ़ जाएंगे। बिल्लू पुत्र, आज बहुत अच्छा दिन है, सुख भी इतने दिन बाद घर वापस आई है और दोस्त है वो उसका साथ में। चुप हो मामे, सुख आपके बाप की मौत का बदला, इससे बेटर गिफ्ट क्या है उसके लिए। लेकिन एक बात सुन लो, जब तक हम उसे नहीं मारते कोई सुख को बोलेगा नहीं। और टिटो आपा जी, बोल दे अपने बंदों को मुर्गा तैयार है, तवा गरम करे। ओपा जी, आज तो मंगलवार है ना, आज तो हम नॉनवेज खाते ही नहीं है, नहीं खाते ना है जी। ओ तेरी बसंता बच्चा सुखा जिंदा दिखाले, तैयार हो सब लोग। बातें कम करो, खाना ज्यादा खाओ। बिल्कुल ही और तुम दोनों बातें ज्यादा करो। ओए पाजी, आप कहाँ चले गए थे? ओए टोनी, तू यहाँ क्या कर रहा है? ओए, तू जानता है टोनी पाजी को? सबसे पहला बंदा यही तो मिला था यार। चलो, कोई तो मिला जिसने इसे बंदा कहा है। ओए महाराज बैठो। क्यों यार? कभी हाथ सुबी लिया करो। पापा पैग लगाएगा फिर हंसेगा। और चुप करो, ये बकवास खाता कौन है इसको? चल दफाओ। पाजी, आप रोटी नहीं खा रहे, आपको भूख नहीं लगती? हर खोते जैसे दिखने वाली चीज खोती नहीं होती, और हर भूख का इलाज रोटी नहीं होती। तू खा ले। वाह पाजी। पाजी, आप पहले हाईवे पे ट्रक चलाते थे? नहीं तो ट्रक के पीछे लिखी हुई शायरी कैसे बोल लेते हो? हाँ, तो तुम कुछ जमीन बेचने की बात कर रहे थे। पाजी, पहले रोटी खा ले। गोल्डी क्या जल्दी है? सिलेंसर पाओ पुत्र, सिलेंसर पाओ। जल्दी है। वो क्या है, तहसीलदार का दफ्तर जल्दी बंद हो जाता है। हाँ। इसलिए टिटो को थोड़ी चिंता हो रही थी। चल झूठा। सॉरी पाजी। अब पाजी, सुख का मतलब था कि तहसीलदार का दफ्तर तो 5 बजे बंद होता है। हाँ। अभी तो 3 ही बजे। मेरा हो गया। एक मिनट जी, एक मिनट। जल्दी क्या है, आइसक्रीम तो खाने दो। ओहो, ठंड में ठंडी ठंडी आइसक्रीम ले आओ पाजी। वाह 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 वाह। टीटू पाजी, तुसी नहीं खा रहे? खा लो। नहीं नहीं खाती। वो आइसक्रीम तो गधे भी खाते हैं। ये खा लेगा, तू खा ले पहले। मेरा मतलब है आइसक्रीम पिघल जाएगी ना। हाँ भाई। अच्छा जी। हाँ। चले फिर। ओए एक मिनट जसी, लस्सी ते रह गई। हाँ है? आइसक्रीम के बाद कोई लस्सी पीता है? पागल हो गई तू? लस्सी ते रह गई, लस्सी ते रह गई। मेरा मतलब है आइसक्रीम खाने के बाद अगर बंदा लस्सी पीता है तो उसका पेट खराब हो जाता है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। कोई मेहमान को तो हम भगवान मानते हैं। हाँ। कोई भगवान का पेट खराब कर सकता है? ना जी, नहीं जी, नहीं। हाय हाय, पाजी को कितनी चिंता रहती है मेहमानों की। कहीं इसी चिंता में मार ना जाए। हैं? हाय फटे मुंह तेरा, मेरी तो शादी भी नहीं हुई। पाजी, आपका दिल बहुत बड़ा है। ते लस्सी का ग्लास उससे भी बड़ा है। पम्मी जी रहने देते हैं। चले। चलो चलो चल। पाजी, आपके यहाँ मेहमान हाथ धो सकता है? कोई हाथ धुलाओ इसके। उधर आ जाओ जी। मैं हाथ धुला देती हूँ। क्या हो गया, उनको बड़ा गुस्सा कर रहे हैं। मजा आ गया जी, ऐसा वेलकम बड़ा काम देखने को मिलता है। अजी, संधू खानदान की हॉस्पिटैलिटी तो हर अस्पताल में मशहूर है। अच्छा जी। कौन सा खानदान? संधू खानदान। ये संधू खानदान का कार है? आहो जी बिल्कुल, वही जिसकी रंधावा खानदान से दुश्मनी है। आहो, तो इसकी दुश्मनी का तो स्यापा पा रही हूं मैं। अब तक तो मेरी शादी की सिल्वर जुबली हो जानी थी। बस एक बार वो रंधावा का मुंडा मिल जाए, बिल्लू जी उसे मार दे, उनकी कसम पूरी हो जाए तो मेरी शादी हो जाए। पता नहीं कहाँ होगा मर जाना। ओए मेरे सामने आना, मैं खुद ही मार दूं उसे। चलो आपका हो गया जी। तौलिया। ओए तौलिया। लो रंधावे के मुंडे के चक्कर में मैं तौलिया ही भूल गई। मैं हुने ही लाती हूँ। कहाँ फंस गया।